सबसे पहले जितने भी साथी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी को मैं अपनी ओर से क्रांतिकारी सलाम करता हूँ। साथियों, हम लोग लगातार मगध विश्वविद्यालय की जो शैक्षणिक व्यवस्था है वो दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। इसके लिए हम लोगों ने बराबर आंदोलन हो या विश्वविद्यालय पदाधिकारियों से वार्ता हो, वार्ता कर काफी सारे मामले को हम लोगों ने लगातार हम लोगों के प्रयास से और आप सभी सम्मानित साथियों के प्रयास से हल हुआ है। जैसे कि विगत दिन पहले हम लोगों ने हम सभी के प्रयास के बाद जो काफी दिन से लंबित रिजल्ट थे, स्नातक सत्र 18-21 और 19-22 वाले छात्रों का, पार्ट 1 और पार्ट 2 का वो रिजल्ट हाल के दिनों में ही दे दिया गया। विश्वविद्यालय में जो करीबन 2 साल से अस्थाई पदाधिकारी नहीं थे, वो अस्थाई पदाधिकारी भी राजभवन द्वारा फागु चौहान द्वारा नियुक्त कर दिया गया। और अभी विश्वविद्यालय में जितने भी पदाधिकारी हैं अस्थाई रूप से हैं, एग्जामिनेशन कंट्रोलर प्रभारी में हैं, लेकिन संतोषजनक कार्यशैली है उनका। काफी अच्छा छात्रों के हित में काम कर रहे हैं। और लेकिन साथियों, इन तमाम चीजों के बावजूद भी कई ऐसी समस्याएं हैं जिस पर विश्वविद्यालय प्रशासन को हम लोगों ने कई बार लिखित दिया है, लेकिन अभी तक उन समस्याओं पर कोई भी विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कार्रवाई नहीं किया गया। पिछले दिनों हम लोगों ने अपने आंदोलन का डेट भी रखा था 29 फरवरी को, 28 से 29 फरवरी को यही डेट रखा था, लेकिन हमारे आवेदन के जब हम लोगों ने इस मुद्दे को लेकर के विश्वविद्यालय प्रशासन को आवेदन दिया कि हम लोग इस तारीख को, इस मुद्दे को लेकर के प्रोटेस्ट करने वाले हैं, तो हमारी कई मांगे, उसमें से जो प्रमुख मांगे थी उसे विश्वविद्यालय प्रशासन मान लिया, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा मान लिया गया था, जिसके फलस्वरूप हम लोगों ने अपने आंदोलन को वहीं पे रोक दिया, स्थगित कर दिया था। और विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से ये हमें माननीय कुलपति महोदय की तरफ से ही ये आश्वासन दिया गया था कि जो आपकी शेष मांगे हैं, जो बची हुई जो शेष मांगे हैं, उन मांगों पर हम जल्द ही कार्रवाई करेंगे और उसे जल्द ही सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। लेकिन साथियों, अभी भी कई ऐसे मांगे हैं जो हम लोगों को अभी तक, हम लोगों की मांगे अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा पूरी नहीं की गई है, लेकिन ये मांगे बहुत ही प्रमुख मांगे हैं और इस पर विश्वविद्यालय प्रशासन को जल्द से जल्द छात्रों को कोई स्पष्ट अपना उत्तर, अपना जवाब देना चाहिए, मुझे जहाँ तक समझ में आता है। जैसे अगर हम स्नातक के छात्रों की बात करें तो स्नातक के छात्रों में 18-21 के छात्र जो ग्रेजुएशन के 3rd ईयर का एग्जाम देंगे, एग्जाम का डेट भी आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि एग्जाम का डेट भी 17 तारीख से है और एक आज शाम तक या फिर कल तक के छात्रों का जो एडमिट कार्ड है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन मिल जाएगा, कॉलेज में भी मिल जाएगा और साइट पे भी मिल जाएगा। जिन छात्रों को जो सुविधा अच्छा लगता है वो सुविधा के अनुसार अपना एग्जाम दे सकते हैं। 51,000 छात्र लगभग इस बार पार्ट 3 का एग्जाम, जैसा कि आंकड़ा विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा दिया गया है कि 51,000 छात्र इस बार एग्जाम देंगे, जिसमें 38 केंद्र बनाए गए हैं बिहार के, जहां जहां यह कॉलेज स्थापित है, मगध विश्वविद्यालय के अनुभूत कॉलेज, वहां वहां सेंटर बनाया गया है। पटना हो, गया हो, औरंगाबाद हो, अरवल हो, जहानाबाद हो, नवादा हो, बिहार शरीफ हो, तमाम जगह पे बनाया गया है।
साथियों, लेकिन उससे पहले एक बात यह है कि 18-21 के छात्रों का सेकेंड ईयर का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया है, लेकिन आप लोग सभी जानते हैं कि सेकेंड ईयर का जो रिजल्ट पब्लिश हुआ है उसमें अभी तक TR जो है विश्वविद्यालय नहीं दी है, जिसके कारण काफी सारे छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग है और उन्हें अपना रिजल्ट पता नहीं चल पा रहा है। अब विश्वविद्यालय 17 तारीख से एग्जाम ले रही है। मेरा विश्वविद्यालय से प्रश्न यह है कि जो छात्र 18-21 के छात्र, जो छात्र सेकेंड ईयर में फेल कर जाते हैं, जो छात्र सेकेंड ईयर में फेल कर जाते हैं और थर्ड ईयर का एग्जाम दे देंगे, चूंकि उनका फॉर्म तो भरवा लिया गया है, अब जो छात्र सेकेंड ईयर में फेल है उनके लिए क्या विश्वविद्यालय व्यवस्था करिए, चूंकि पार्ट थर्ड के बाद तो पार्ट टू का एग्जाम नहीं देंगे वो, अगर ऐसा कर सकते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन तो स्पष्ट तौर पे छात्रों को यह जवाब दे कि 18-21 के जो पार्ट टू में फेल छात्र होंगे उनका रिजल्ट पेंडिंग होगा या एब्सेंट हो गया होगा या किसी तरह से कुछ होगा उनका, तो आप उनके लिए क्या, उन छात्रों के लिए उचित क्या व्यवस्था कर रहे हैं। दूसरी हमारी प्रमुख मांग, दूसरी प्रश्न, प्रमुख प्रश्न यह है, उसी तरह से BEd के छात्रों का 20-22 के जो छात्र हैं उनका प्रथम सत्र का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया है और प्रकाशित भी कर दिया गया है और उनका एग्जाम का डेट भी लॉन्च शायद कर दिया गया, फॉर्म भी भरने का डेट लगता है समाप्त हो गया है, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है, वो जो छात्र फेल कर गए हैं और पार्ट थर्ड का फॉर्म भर दिए, सेकेंड ईयर का फॉर्म भर दिए हैं, फर्स्ट ईयर में फेल है सेकेंड ईयर का फॉर्म भरती है, तो उनके लिए विश्वविद्यालय क्या व्यवस्था करे, क्या वो सेकेंड ईयर का एग्जाम ले लेगी उसके बाद फिर फर्स्ट ईयर का एग्जाम उनका लेगी या कोई उनके लिए स्पेशल एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, तो इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को अतिशीघ्र कोई छात्रों को जवाब देना चाहिए और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तीसरा हमारा मुद्दा है कि विगत दो सालों से BEd आप तो बिहार के छात्रों के लिए काफी सुनहरा अवसर अभी शिक्षक बहाली में है और उसमें छात्र अपना भविष्य तलाश रहे हैं और देख रहे हैं अपना भविष्य, लेकिन यहाँ मगध विश्वविद्यालय की स्थिति ऐसी है, 2 सालों से सत्र विलंब होने के कारण 18-21 के छात्र दो बार से BEd इंट्रेंस एग्जाम फिलअप नहीं कर पा रहे हैं। अब वो एग्जाम फिलअप नहीं कर पा रहे हैं जिसके कारण वो BEd में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, तो जब BEd में एडमिशन ही नहीं लेंगे तो शिक्षक बनेंगे कैसे, तो उनके लिए भी विश्वविद्यालय प्रशासन को एक अलग कुछ निकालना चाहिए, एक अलग कार्रवाई करनी चाहिए कि हाँ हमारे यहाँ का, या तो विश्वविद्यालय प्रशासन जो भी यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करवाती है BEd का उससे समय अवधि बढ़ाने को लिए कहा जाए कि अभी इसको रोक करके समय अवधि बढ़ाई जाए, फॉर्म भरने का डेट अलग उसको और बढ़ाया जाए जब तक कि हमारे छात्र सभी 18-21 के छात्र पास नहीं कर जाते, उनका रिजल्ट नहीं हम पब्लिश कर देते तब तक इसे रोक दिया जाए, अन्यथा विश्वविद्यालय प्रशासन कोई एक और कदम उठा सकती है। अब मेरे समझ से विश्वविद्यालय प्रशासन अब इसमें क्या करना चाहती है वो उनकी अपनी कैटेगरिया है, वो अपना कर सकते हैं, लेकिन मेरे समझ से ये चीज़ें हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन को मगध के जितने भी अंगभूत BEd कॉलेज हैं उसमें एडमिशन अब फिलहाल रोक देना चाहिए जब तक कि मगध के जो भी छात्र हैं 18-21 वाले उनका सेशन कंप्लीट नहीं हो जाए, उनका सत्र, उनका रिजल्ट पब्लिश नहीं हो जाए, और जब रिजल्ट पब्लिश हो जाए तो अलग से विश्वविद्यालय, जैसे कि पूर्व में होता था कि मगध विश्वविद्यालय अपना एंट्रेंस एग्जाम अलग लेती थी और उसके आधार पर अपने छात्रों को अपने कॉलेज में एडमिशन लेती थी, उस आधार पर करवा सकती है, तो विश्वविद्यालय को इस मुद्दा पे भी गंभीर रूप से छात्रों के साथ वार्ता करनी चाहिए। और हम लोगों ने बराबर इस पे विश्वविद्यालय प्रशासन को लिखित तौर पे, मौखिक तौर पे विश्वविद्यालय प्रशासन को ये चीज़ बताया है कि छात्रों की ये समस्याएं हैं, इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, अन्यथा हम लोगों का जो हमेशा से मार्ग रहा है आंदोलन का, हम लोग अपना
संवैधानिक ढंग से शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। लेकिन अभी चूंकि आंदोलन नहीं करने का कारण है कि अभी ही कुछ दिन पहले ही विश्वविद्यालय में जितने भी पदाधिकारी हैं वो अस्थायी रूप से यहाँ आए हैं, तो उनके द्वारा जब हमारी इन बिंदुओं पर बात होती है तो स्पष्ट तौर पर उनका कहना यही होता है कि मैं अभी जल्द ही आया हूँ, चीज़ों को समझने में बुझने में और व्यवस्थाएं इतनी ख़राब है कि इसे सही करने में कुछ तो समय लगेगा। वास्तविकता भी यही है मेरे समझ से भी, तो हम लोग भी इसी वजह से कई चीज़ें करना चाहते भी हैं लेकिन मजबूरी बस रुकना पड़ जाता है कि ताकि विश्वविद्यालय प्रशासन को समय मिले और इस समय अवधि में अपना जो भी छात्रों की समस्याएं हैं उसको सॉर्ट आउट करने का काम करें। तीसरा समस्याएं यह है कि मगध विश्वविद्यालय में प्री पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म 2021 में फरवरी में फिलअप करवाया गया था, 2021 के फरवरी में फिलअप करवाया गया था। काफ़ी लंबा समय हो गया है, करीबन 2 साल होने को है, लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन इसका एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाई है, जिसके कारण यहाँ पीएचडी जो है 2 वर्षों से छात्रों का एडमिशन नहीं हो रहा है पीएचडी में, जो कि काफ़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण है किसी भी विश्वविद्यालय के लिए, क्योंकि विश्वविद्यालय मूल रूपेण जो होती है पीएचडी के लिए ही होती है और हमारे विश्वविद्यालय पीएचडी करवा ही नहीं रही है। तो ये काफ़ी गंभीर समस्याएं हैं, इस पर भी हम लोगों ने विश्वविद्यालय प्रशासन को बताया है, आश्वासन तो मिला है लेकिन कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं। एक और चीज है विश्वविद्यालय में सबसे बड़ी चीज कि कन्या उत्थान योजना, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक योजना लाई गई है बिहार में, जिसमें 25,000 और 50,000 छात्रों को स्नातक करने पर, पहले था 25,000 उसे बढ़ा करके 50,000 कर दिया गया है। तो मगध के छात्रों का जो 17-20 के छात्र हैं, जो वोकेशनल वाले छात्र हैं जो पास आउट हो गए, वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे हैं। उससे पहले वाले जो छात्र हैं 18-21 के भी जो प्रोफेशनल के छात्र हैं वो भी नहीं भर पाए हैं। तो इन छात्रों के लिए क्या विश्वविद्यालय प्रावधान कर रही है, इस पर भी विश्वविद्यालय से हम लोगों ने प्रश्न पूछा है लेकिन अभी तक जवाब नहीं आया है। और विश्वविद्यालय में कन्या उत्थान योजना में भी काफ़ी सारे छात्राओं का जो पैसा है पेंडिंग है, उनका वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटी स्तर से वेरिफिकेशन काफ़ी दिनों से पेंडिंग है। अब जो छात्राएं यहाँ पे आती हैं अपना देती हैं डाटा, अब उन्हीं को सिर्फ क्लियर करता है, आपके पास ऑलरेडी सारे डाटा हैं तो अब अपने डाटा के अनुसार टीआर मिलाकर के क्यों नहीं वेरीफाई करते हैं, क्यों बार बार छात्रों को यहाँ विश्वविद्यालय बुलवाते हैं दौड़ाते हैं और 2-4 बार आते हैं छात्राएं, उसके बाद उनको तब भी उनका क्लियर नहीं हो पाता। तो ये जो समस्याएं हैं इतने दिनों से जो लंबी चलते आ रही है, तो इस पर भी विश्वविद्यालय प्रशासन को काफ़ी गंभीरता से विचार करना चाहिए। एक तो महिलाएं के लिए सरकार इतनी सारी योजनाएं ला रही है उन्हें जीवन को सुलभ बनाने के लिए, और आप उन्हीं महिलाओं को परेशान करने में लगे हुए, तो इस पे विश्वविद्यालय प्रशासन को माननीय कुलपति महोदय को विशेष तौर पे ध्यान देने की जरूरत है। एक विश्वविद्यालय की मूलभूत जो एक समस्याएं हैं जो काफी दिनों से हम छात्रों को झेलना पड़ रहा है, विश्वविद्यालय के अंदर सुरक्षा व्यवस्था शून्य है। विश्वविद्यालय में आप सभी जानते हो कि विश्वविद्यालय में पहले से पूर्व से जो भी सुरक्षा व्यवस्थाएं थी वो एक टेंडर के माध्यम से, सिक्योरिटी एजेंसी के टेंडर के माध्यम से होती थी, लेकिन पिछले 2 वर्षों से यहाँ पर कोई भी टेंडर नहीं है सिक्योरिटी एजेंसी का, जिसके कारण विश्वविद्यालय में सुरक्षा व्यवस्था एकदम शून्य है। विगत दिन पहले काफ़ी सारी गाड़ियां का चोरी, लड़कियों के छात्र एक विश्वविद्यालय के छात्रावास में एक असामाजिक तत्व के लोग का घुस जाना, विश्वविद्यालय संपत्ति की चोरी, इन तमाम चीज़ें का मामला लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं है। तो इस विशेष तौर पर हम माननीय कुलपति महोदय से कहेंगे कि माननीय आप आए हैं और आपसे हम छात्रों को उम्मीद है आशा है,
तो आप इस पे भी एक विशेष तौर पे कार्रवाई करें और जल्द से जल्द विश्वविद्यालय के अंदर सुरक्षा व्यवस्था को बहाल करने का काम करें। विश्वविद्यालय के अंदर दोनों गेट जो है उस सभी गेटों पर सीसीटीवी कैमरा, हॉस्टल में सीसीटीवी कैमरा, विश्वविद्यालय के अंदर जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन उसके अंदर, डिपार्टमेंट है उसके अंदर, सभी जगह पर सीसीटीवी कैमरा का समुचित व्यवस्था किया जाए, सुरक्षा लाइट का समुचित व्यवस्था। एक हमारा विश्वविद्यालय और बगल में IIM है जो नया खुला है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, तो आप दोनों का कंपेरिजन अगर करिएगा तो उसमें हमारा विश्वविद्यालय एकदम जीरो स्तर पे है, वो 100 स्तर पे है। तो कम से कम 20-50 तो बना के रखिए, इस स्तर पे हम लोगों को करने की जरूरत है। और भी कई समस्याएं हैं विश्वविद्यालय में, पेयजल की समस्याएं हैं, हम लोगों का मांग, मतलब 24 सूत्री हम लोगों ने मांग पिछले बार सौंपा था, जिसमें ग्रीन कैंपस का था, छात्रावास में पेयजल का था, पंख विश्वविद्यालय के छात्रावास में गर्मी आने वाला है, पंखा का था, पेयजल का था, असामाजिक तत्वों का जो विश्वविद्यालय के अंदर अब रैन बसेरा बन गया है, उन लोगों के खिलाफ विश्वविद्यालय प्रशासन को कड़ी एक्शन लेने की जरूरत है। एक चीज और कि विश्वविद्यालय जब से IIM हमारे विश्वविद्यालय कैंपस में स्थापित हुआ है, तब से ही विश्वविद्यालय के जो खेल का मैदान था, विश्वविद्यालय का क्वार्टर था, विश्वविद्यालय का हॉस्टल था, ये तमाम चीजें उन्हें सौंप दिया गया और एक सीमित समय के लिए ही सौंपा गया था, लेकिन अब उन पे उनका कब्जा हो गया है और हम लोगों के लिए खेलने का मैदान नहीं है। तो इसके लिए भी विश्वविद्यालय को हम लोगों के लिए एक स्टेडियम का या खेलकूद का उचित व्यवस्था कराई जाए, विश्वविद्यालय में महिला सेल की व्यवस्था हो, छात्रों के लिए कॉमन रूम की समुचित व्यवस्था हो, और विश्वविद्यालय के अंदर जो लाइब्रेरी है उसे 24/7 खोला जाए, एक शैक्षणिक माहौल, बेहतर शैक्षणिक माहौल यहाँ बनाया जाए, ताकि हम छात्रों को, जो हम मध्यम वर्गीय छात्र हैं, जो मिडिल क्लास के छात्र हैं, जो हम किसी बड़े इंस्टीट्यूट में, बड़े यूनिवर्सिटी में एक अच्छे रकम दे करके नहीं पढ़ सकते हैं, और हमारे लिए यही उच्च शिक्षा का केंद्र है, और हमारे पिताजी, हमारे पूर्वजों के लिए भी यही एक उच्च शिक्षा के लिए केंद्र रहा है, तो एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एक बहुत ही अच्छा संस्थान है, इसे अच्छा बनाने की कोशिश की जाए। तो आप तमाम साथियों से भी हमारा अपील रहेगा कि जो भी विश्वविद्यालय के मुद्दा है, इस पर अगर हम लोगों का कभी भी आंदोलन हो तो उस समय जरूर आप लोग सकारात्मक भूमिका के साथ हम लोग के साथ खड़े रहें, ताकि विश्वविद्यालय में शैक्षणिक माहौल जो है अच्छा हो, इसके लिए हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें आपकी भी सहभागिता हो सके, और जो पहले की तरह मगध विश्वविद्यालय जो विश्वविख्यात थी, विश्वविद्यालय के अंदर देश विदेश से भी छात्र आते थे, और पूरा बिहार का एक गौरवमय इतिहास रहा है मगध विश्वविद्यालय का, उसे पुनः स्थापित किया जाए, और हमारे भविष्य के लिए, आने वाले कल के भविष्य के लिए, और आप अपने भविष्य के लिए इसे सोचें, समझें और हमारा साथ दें, ताकि हम अपने इस जो हमारा जो भी ये मुद्दा है, हमारा जो भी विश्वविद्यालय को गौरव की, विश्वविद्यालय का जो पहले की जो स्थिति रही है उस स्थिति पर कैसे ला सके, इस पर हम लोग बैठ करके, मिल करके, आंदोलन कर करके, जैसे भी हो हम लोग अपना एक अच्छा शैक्षणिक माहौल कायम करने के लिए प्रयासरत रहें। इसी के साथ मैं आप तमाम साथियों को धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने इतना समय निकाल करके हमारे इस वीडियो को देखा, और आपसे मैं आपका राय भी मांगूंगा। मैं अपना नंबर नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, अगर आपका कोई सुझाव हो, आपका कोई आते हो तो आप हमें अवश्य अपनी बातें, समस्याएं को बताएं, जहां तक हो सकेगा मैं उसमें मदद करने का प्रयास करूंगा। मैं दीपक कुमार, आपका साथी, आपका भाई, संयोजक, इनकलाबी छात्र मगध विश्वविद्यालय, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।